जी व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट ग्वादर गुरु। आज हम हैं सिंघार की गोल्डन बीच पे और कुछ लोकल दोस्तों के साथ फ़िशिंग का प्रोग्राम बना, और फ़िशिंग के लिए जो है हम लोग यहाँ पे सिंघार के आए हैं। आप देख सकते हैं कि दोस्तों ने जो है वो फ़िशिंग स्टार्ट कर दी है। व्यू भी आप चेक करें ग्वादर की सिंघार का, और साथ साथ सोल टचिंग जो सनसेट व्यू है वो भी आप नज़ारा करें। ये जनाब फिशिंग हो रही है। आज सैटरडे था, वीकेंड, और वीकेंड पे प्रोग्राम बना फिशिंग का। ये जनाब फिशिंग के लिए जो है तो जब तक फिशिंग जो है कर रहे हैं लड़के, और हम उतनी देर तक हमारे कुछ दोस्त हैं, इन्वेस्टर्स हैं जो कि लाहौर से तशरीफ़ लाए हुए, उनसे भी बातचीत करते हैं कि उनके व्यूज़ लेते हैं। चलिए जी, तो सोल टचिंग जनाब ये सनसेट व्यू एंजॉय करने के लिए हमारे साथ हमारे दोस्त जो हैं वो भी आए हुए हैं, अलियास मजीद शेख साहब। तो अलियास मजीद शेख साहब, कैसा फील कर रहे हैं ग्वादर की गोल्डन बीच पे सनसेट का जो नज़ारा है? सबसे पहली बात तो ये है कि मेरे एक अपना पहले अपना तारफ भी आप खुद ही करवा दें। मैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का फार्मर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ, फिर उसके बाद सोशल वर्कर भी हूँ और कॉलम भी लिखता हूँ अखबार में। और ये है कि मैंने कल कुछ तस्वीरें सनसेट की अमेरिका में यूके में भिजवाई। मुझे फौरी उसी वक्त फ़ोन आया कि भाई तुम किधर हो? मैं कह मैं ग्वादर। कैसे यार ग्वादर, मैं नहीं मानता, ये तो मुझे मियामी का बीच लग रहा है। ये मुझे एक नहीं, चार पांच यूके वाले दोस्तों ने भी, अमेरिका वाले दोस्तों ने भी और कहा है कि तुम छुपा रहे हो, तुम ग्वादर में नहीं हो। मैं कह भाई देख लो, कह लें कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी खूबसूरत जगह दी है, इतनी खूबसूरत जगह दी है, लेकिन कदर नहीं हो रही। और मैं समझता हूँ कि ये सनसेट के जो व्यू हैं, और मुझे इतना मज़ा आया लाइफ में कि मैं अपना जो प्रोग्राम था 3 दिन का, इसको 11 दिन पे ले गया हूँ सिर्फ इस सनसेट की वजह से। रोज़ाना यहाँ आ जाता हूँ सूर्य ग्रुप होने से 1.5 घंटा पहले, और आधा घंटा बाहर जाता हूँ। कभी मुझे नज़र आता है ग्रे पानी, और ग्रे के साथ ग्रे कह ले बादल, कभी ब्लू, कभी कुछ, और आई एम वेरी हैप्पी एंजॉयिंग। तो शेख साहब, हमारे जो ओवरसीज हैं, जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं ग्वादर के हवाले से, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं कहता हूँ ये कहते हैं ना कि गेम चेंजर, ये पाकिस्तान के लिए ग्वादर एक गेम चेंजर साबित होगा। इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, और जिसको मैं कल विज़िट करके आया हूँ, बल्कि मैं जब से आया हूँ मैं रोज़ाना विज़िट करता हूँ, 24 घंटे काम हो रहा है और हज़ारों वर्कर काम कर रहा है, जिसकी तजुर्बाती फ्लाइटें मार्च में हैं, मतवक़ो हैं। बल्कि मेरी गवर्नमेंट के किसी अहम ब्यूरोक्रेट से बात भी हुई, उन्होंने कहा जी हमारी, हमने इरादा किया है 23 मार्च को जहाँ एयरफोर्स के जहाज़ उड़ेंगे, तो सितंबर में ये फुल ऑपरेशनल हो जाना है। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे एक तैयारा आ गया चाइना से इन्वेस्टर का या अमेरिका से, तो ये हम तो क्या फ़ायदा लेंगे, हम तो वैसे पीछे हैं कुछ 100 साल कह लें अमेरिका से या बरतानिया से, यही वजह आता ना मेरी सोच पीछे है। तो हम यहाँ हमें आना चाहिए और देखना चाहिए, फिर कोई फैसला करना चाहिए। मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। चलें जी, शुक्रिया जनाब इलियास मजीद शेख साहब। ये थे हमारे साथ जनाब इलियास मजीद शेख साहब, और हमारे साथ एक और दोस्त भी आए हुए हैं जो कि दुबई से हैं। आपके क्या व्यूज हैं जी, क्या रिमार्क्स हैं ग्वादर के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? मैंने आके इसको विजिट किया, तो मुझे तो यहाँ पे फ्यूचर का दुबई ही नज़र आता है। कि अगर आप इसको इमेजिन करें, आज के कुछ सालों के बाद यहाँ पे जो है स्क्राइपर्स होंगे, और यहाँ पे जो व्यूज़ हैं, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे व्यूज़ हैं कि जब दुनिया को पता चलेगा कि यहाँ पे ये है,
तो मेरा नहीं ख्याल के जो है ना वो इधर का रुख नहीं करेंगे। यहाँ का मौसम कैसा है, टेम्परेचर कैसा है? मौसम ऐसा है कि जो है अब हम आए हैं, सर्दियों का मौसम है, लेकिन यहाँ पे जो है बड़ा ही प्यारा मौसम है। सुबह से लेके शाम तक ठंड भी है, धूप भी है, और बड़ा हम इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। चलिए जी, थैंक यू जनाब अदील साहब। तो इलियास मजीद शेख साहब के साथ भी आपकी गुफ्तगू आपने सुनी, और अदील साहब जो कि ओवरसीज पाकिस्तानी है, यूएई से तशरीफ़ लाए थे, उनके रिमार्क्स भी आपने सुने ग्वादर के बारे में। तो आप भी ग्वादर को विज़िट करें, ग्वादर का सनसेट एंजॉय करें, ग्वादर का सी फूड इंजॉय करें, और अपना ख्याल रखें। ग्रो विद ग्वादर विद गुरु ऑफ ग्वादर। थैंक यू।